क्या कमला हैरिस होंगी अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति? क्या कमला हैरिस बदलेंगी इतिहास? क्या कमला हैरिस हिलेरी क्विंटन का सपना कर पाएंगी पूरा? अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। भारतीय अफ्रीकी मूल की हैरिस ने शिकागो में गुरुवार रात डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्वेंट के दौरान उम्मीदवार स्वीकार की। इसी के साथ वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की दूसरी महिला नेता बनी। इस दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और कहा कि वो एक धीर और गंभीर व्यक्ति नहीं है। अमेरिका और दुनिया भर में करोड़ों दर्शकों को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने अपनी कहानी बयान की। उन्होंने भाषण के दौरान अपने पति डगलस एमहॉफ को सलारिक बताया, तो वहीं साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे टिम वॉल्स से कहा कि वो एक शानदार उपराष्ट्रपति साबित होंगे। इस दौरान कमला हैरिस ने कहा कि प्रत्येक अमेरिकी ओर से, चाहे वो किसी भी पार्टी, जाति या भाषा से संबंध रखता हो, मेरी माँ की ओर से और उन सभी लोगों की ओर से जिन्होंने ऐसे अमेरिका को और अपने असंभव यात्रा शुरू की, जिनके साथ मैं बड़ी हूँ, जो कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उन सभी की ओर से जिनकी कहानी पृथ्वी के सबसे महान राष्ट्र में ही लिखी गई और मैं उसकी उम्मीदवारी स्वीकार करती हूँ। शिकागो के यूनाइटेड सेंटर में उम्मीदवारी स्वीकार करने के लिए मंच पर आई कमला हैरिस ने कहा कि उनके लिए असंभव यात्राएं कोई नई बात नहीं है। हैरिस ने कहा कि उनके प्रतिनिधि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी गंभीर व्यक्ति नहीं है और उन्हें फिर से राष्ट्रपति बनने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि यदि वो राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो यूक्रेन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय थी और उनके पिता डोनाल्ड जास्पर हैरिस जमैका के नागरिक थे। अगर हैरिस निर्वाचित होती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और इतिहास लिखेंगी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।